हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनीस। देखिए दोस्तों, ये एक मेरा देसी रोज का प्लांट था जिसको मैंने यहाँ से कट कर दिया था और इस पॉट में लगा दिया था, ज़मीन से निकाल करके। और देखिए, इस पे मैंने, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी, देखिएगा, मैंने ये देखी देसी रोज का, ये वाली स्टेम जो है ये देसी रोज की थी। और इसके ऊपर देखिए, मैंने ये साइड से, यहाँ पे देखिए पॉलीथीन बंधी, यहाँ पे साइड से मैंने ये ग्राफ्ट कर दिया था। और देखिए इसमें ये देखिए नई ग्रोथ देखिए इतनी चल चुकी, और उसके बाद देखिए यहाँ से ही देखिए सूट से निकलने लगा। और इसका एक आई बड़ यहाँ पर था तो इसको मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ से भी देखिए सूट से निकलना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब इसको अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगा तो, और ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लिया, तो देखिए अब इस जो ये देसी वाला था इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा कि जो ये आपका रूट स्टॉक होता है, जो देसी वाला होता है, वो भी अपनी अगर ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो इसकी ग्रोथ जल्दी ज़्यादा स्टार्ट ज़्यादा अच्छी होगी रादर देन इसके। और धीरे धीरे करके इसको न्यूट्रिशन कम मिलना शुरू हो जाएगा और ये आपका जो ग्राफ्टेड पार्ट है ये आपका डेड हो जाएगा। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक शार्प प्रूनर लेना है, ठीक है, और उसको आपको अच्छे से बिल्कुल क्लीक करना है। देखिए देखिए, मेरे पास कुछ इसमें नहीं था तो मैंने फंगी साइड से देखिए किया है, तो देखिए इसमें हल्का ब्लू ब्लू सा आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको जस्ट आपको सामने लाना है और जो ये आपका देसी वाला पार्ट है जो, इसको आपको कट करना है। तो देखिए हम इसको कैसे कट कर रहे हैं, और हमने इसको ऐसे करके यहाँ से और ऐसे हमें कट कर देना है, ठीक है, आहिस्ते से, बहुत ज़्यादा हिले नहीं, हिल जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए आहिस्ते से हम इसे निकाल लिए, ये देखिए ये इतना निकल आया। आप चाहें तो इसको लगा दीजिए फिर से, इसकी जो पतली वाली स्टेम है आप इन दोनों को काट दीजिए, इसे ऐसे लगा दीजिए, ये आपकी एक कटिंग लग जाएगी, बट मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास देखिए इतना सारा देसी रोज लगा हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा ये देखिए, ये एक स्टेम इसकी यहाँ से, और पुरानी वाली सूख गई थी, ये ग्राफ्टेड निकल आया, ये निकल आया, ऊपर से ये निकल आया। तो देखिए हम अब जो हमारा ये प्लांट है, अब ये ग्रोथ करेगा अपनी, और अब इसकी ग्रोथ अच्छी भी होगी। अभी इसमें देखिए क्या हुआ था कि जब इसकी ग्रोथ करवा रहा था मैं, तब इसमें माइट्स का जो है वो हो गया था प्रभाव, इस वजह से इसकी ग्रोथ धीमी हो गई। और इसमें देखिए फिर से जो न्यू शूट्स निकले हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, और ना ये भी देखिए न्यू शूट्स ही थी यहाँ से, इतनी मैंने ग्राफ्ट करी थी। तो दोस्तों इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि वही अपना मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइजर मैं इसमें रेगुलरली दे रहा हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, ग्रोथ अच्छी चल रही है और न्यू शूट्स देखने निकलना स्टार्ट भी हो गई हैं। तो देखिए यहाँ से ये इसका अगर मैं टिप कट कर दूँगा तो नीचे साइड से काफ़ी सारी जो है स्टेम्स निकलेंगी। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो आप ग्राफ्ट करते हो उस ग्राफ्टिंग को आपको कैसे केयर करना है। और इजीली देखिए, अगर आपका ये ग्राफ्ट अगर सक्सेस नहीं होता तो आपके पास ये स्टेम रहती, ठीक है, ये स्टेम अगर रहती आप इसको यहाँ से कट कर देते, आपका इतना पार्ट रहता आपको फिर से एक ग्राफ्ट करने के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ चाहे तो आप वी ग्राफ्ट कर सकते थे, बड़ ग्राफ्टिंग कर सकते थे, साइड ग्राफ्टिंग कर सकते थे, तीन टाइप की ग्राफ्टिंग ही मेनली होती है। और चाहते तो आप यहाँ पर भी आप कोई सी भी ग्राफ्टिंग कर सकते थे, आपकी सारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती हैं। प्लस देखिए एक ये ग्रीन स्टेम है, ये स्टेम पूरी ग्रीन है, आप यहाँ पर भी आप चाहते तो आप वी ग्राफ्टिंग जो है और पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इसमें तो मैक्सिमली वी ग्राफ्टिंग ही सक्सेस होती है, लेकिन ये वाली स्टेम में आपकी सारी जो है सक्सेस हो जाती है। तो अब दोस्तों
देखिए मैंने इसको कट करने से पहले इसमें देखिए अच्छा खासा न्यूट्रिशंस डाल दिया था, प्लस मैंने इसमें राख का भी उपयोग किया था ताकि इसमें कोई फंगस की भी प्रॉब्लम ना हो। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन की जरूर दबाइएगा दबाइएगा ताकि आपको ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।